कर्नाटक चुनाव में नींबू पर राजनीति गरमाई। बेंगलुरु, कर्नाटक के चुनावी समर में अब नींबू को लेकर राजनीति तेज है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हाथ में नींबू दिखने पर बीजेपी ने उन्हें अंधविश्वासी बताने में देर नहीं लगाई, तो दूसरी तरफ सीएम ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाए, इसे कन्नड़ संस्कृति से जोड़ दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने फिर कहा, चामुंडेश्वरी विधानसभा से ही लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी ने कहा कि एक तरफ तो वे ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, जबकि दूसरी तरफ हिंदू परंपराओं का अनादर करने और उन्हें आपराधिक बनाने के लिए अंधविश्वास विरोधी कानून ला रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी ने एक ट्वीट कर कहा, हाथ में नींबू लेकर प्रचार करना और दूसरी ओर हिंदू परंपराओं का अनादर करने और उन्हें आपराधिक बनाने के लिए अंधविश्वास विरोधी कानून लाना। सिद्धरमैया, आपका नाम पाखंड है। बीजेपी ने एक फोटो भी पोस्ट किया है जिसमें वही हाथ में नींबू लेकर प्रचार कर रहे हैं। मैसूर के चामुंडेश्वरी में चुनाव प्रचार के वक्त मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के हाथ में नींबू क्या दिखा, बीजेपी ने हमला करने में देर नहीं लगाए। बीजेपी प्रवक्ता इस प्रकाश ने कहा कि जिस आदमी ने अंधविश्वास निरोधक कानून बनाया, वो ही अगर नींबू लेकर अंधविश्वास फैलाएगा तो मजाक तो बनेगा ही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने चला यह दांव। सिद्धरमैया भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने ट्वीट किया कि फेक न्यूज अगर बीजेपी फैलाएगी तो स्मृति ईरानी गलत खबर फैलाने के आरोप में कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि किसी ने मुझे नींबू दिया और मैंने हाथ में रखा, ये कर्नाटक का ट्रेडिशन है, इसमें क्या गलत है। इसके जवाब में बीजेपी ने तीन अलग अलग सालों और जगहों का एक और ट्वीट जारी कर पूछा कि क्या सभी नींबू एक ही आदमी ने दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नींबू को लेकर इतना सियासी बवाल क्यों मचता है। हिंदू मान्यता है कि नींबू नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है, लेकिन अगर कोई हाथ में नींबू लेकर घूमे तो ये अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इससे पहले कहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कार पर कौवा बैठा तो उन्होंने कार ही बदल दी थी। वीडियो, सिद्धरमैया पर बीजेपी ने लगाया अंधविश्वासी होने का आरोप। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।